सही आवाज आ रही है? नहीं, कम है, मैं वॉल्यूम तेज कर लेता हूँ। अब ठीक है। कल हम बिन बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा गला खराब है, टांगे ठीक है। कॉन्टेजन डिस्ट्री तक पढ़ लिया था, क्या होता है क्या नहीं होता ये डिस्कस हमारा हो गया था ना कल। जब मैंने इसको कहा था कि टेस्ट ले लेना है आपने, आप लोगों ने टेस्ट उस वक्त क्यों नहीं दिए? शहबाज अगर ठीक है, आप टेस्ट देना चाहिए था आप लोगों को। खैर आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा टैक्स की। देखें, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास ना ये पावर्स हैं कि वो जब चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर इन एडिशन टू 18% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल गुड्स हम जब भी बेचेंगे, नॉर्मल गुड्स हम जब भी सेल कर रहे होंगे, उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम गवर्नमेंट चाहे तो 18% के अलावा फर्दर टैक्स भी, सॉरी एक्स्ट्रा टैक्स भी क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लग्जरी गुड्स होती हैं उस पर 18% GST गवर्नमेंट लेती है, 5% जो है एक्स्ट्रा टैक्स भी ले रही होती है। तो एक गवर्नमेंट की जवाबदेही है, वो जब चाहें किसी भी गुड्स के ऊपर अप टू 18% टैक्स क्या कर सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं। तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके आती है बात बारी कैपेसिटी टैक्स की। कैपेसिटी टैक्स क्या होता है अगर हम इसको देखें तो रिमेंबर, ये हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ये टैक्स लेवी हो रहा होता है। ये आपकी सेल्स, आपकी परचेजेस के ऊपर नहीं, बल्कि कितना आपने प्रोड्यूस किया है, कितना आपने बनाया है, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम जो है ये टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। अब इसमें इसको सिर्फ आपने रीड करना है, ये सिर्फ आपका रीड ओनली होगा। जैसे जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स हैं या मशीनरी है या कोई भी हमने इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट वगैरह बनाई है, उसके ऊपर जो हमने इंस्टॉलेशन वगैरह की होती है, उसके ऊपर हमें क्या कर रहे होते हैं, टैक्स कर रहे होते हैं कि कितना आपने प्रोड्यूस किया है, मिनिमम इतना टैक्स आपसे लेना पड़ेगा। अगर सेल्स करेंगे तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन के ऊपर मिनिमम जो है क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है। तो ये भी सिर्फ रीड करना है, इसको भी याद रखने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। मेरी आवाज़ में ज़्यादा बेस आ गई। उसके बाद जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो स्टील की प्लेट्स या स्टील के प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, रिमेंबर इनके ऊपर भी हम टैक्स ले रहे होते हैं फिक्स पोर्शन के ऊपर। मतलब 13 स्केड्यूल है, उसके मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनके ऊपर टैक्स ले रहे होते हैं। इनके एक्स्ट्रा सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लेते, बल्कि हम मिनिमम इनसे टैक्स इतना लेते हैं कि अगर आप गुड्स बनाएंगे, बेशक बिकी हैं बेशक नहीं बिकी, मिनिमम हमने आपसे इतना टैक्स लेना ही लेना है पर मंथ। हाँ, अगर इससे ज़्यादा की सेल्स हो गई हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम टैक्स जो है वो बढ़ा देंगे, हम टैक्स ले लेंगे। बट मिनिमम इनकी भी प्रोडक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको याद नहीं करना, इसको बस रीड करना है। पेपर में इसके भी पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि अगर हमने सप्लाई की है CNG स्टेशंस को तो उसके ऊपर टैक्स कैसे चार्ज होगा। तो रिमेंबर 18% GST चार्ज किया रहेगा, और वो जो भी उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, मतलब जिसमें नेचुरल गैस के प्राइस चार्जेस, रेंट्स एंड सब कुछ जो है वो क्या होगा, इसका पार्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पेपर में, ये मतलब पेपर में नहीं पूछेगा कि जी प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, कैपेसिटी टैक्स क्या होता है,
इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे पेपर में नहीं पूछ रहा होगा। ये बस पता होनी चाहिए, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास जो टैक्सेबल चीज़ें हैं उसके ऊपर हमने उसको क्या किया हुआ है, हमने उसको वेरियस चीज़ों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास नॉर्मल भी है, हमारे पास नॉर्मल टैक्स रेट कितने 18% है, हमारे पास फिर गुड्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड भी हैं, हमारे पास गुड्स ऐसी हैं जो थर्ड स्केजुअल में भी फॉल कर रही होती हैं, फिर हमारे पास गुड्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट भी हैं, वो हमने पढ़ ली। उसके अलावा फिक्स टैक्स भी है, वो भी हमने देख लिया। जैसे कैपेसिटी टैक्स की अगर बात करें, ये जैसे ईंटों का भट्टा जो है, जो ईंटे वगैरह बेच रहे होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर भी हम फिक्स टैक्स ले रहे होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। आपकी ईंटें बिक रही हैं नहीं बिक रही, पर महीने 9,500 रुपया ये आपसे टैक्स ले रहेंगे। अगर आपका ईंटों का भट्टा मतलब सेंट्रल पंजाब में लाहौर वगैरह के एरिया में है तो 12,300 लेंगे, अगर साउथ पंजाब में ईंटों का भट्टा लगा हुआ तो जो टैक्स है वो कम ले रहे होंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स, वो क्या कर रहे होते हैं, आपसे ये टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जो अगले हम तीन क्वेश्चंस पढ़ने लगे हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं। हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, व्हेन टू पे सेल्स टैक्स और चेंज इन टैक्स रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तीन थ्रेटिकल क्वेश्चन है, इसमें से अगर वो कोई भी एक आधा पूछ ले तो आप नहीं कर पाते। मतलब अगर आप जाके थ्रेटिकल क्वेश्चंस में उसका आप पर्सपेक्टिव देखें, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें से वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, उसके ऊपर हमने देखना है। तो पहले हम देखते हैं, पहला सवाल है कि हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि लाइबिलिटी किसकी है, कौन सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा, इस चीज़ को हमने देखना है। वो लैपटॉप धो के टैक्स पे करेगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, मौजम सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर। सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? कौन पे करेगा सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? प्रोवाइडर पे करेगा। सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? जिसने पे करना होगा। अगर ये पेपर में जवाब लिख के आओगे ना आप, यही वाला, तो आपको कहेगा बेटा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले दो अटेम्प्ट में दोबारा मिलिएगा। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सीरियस था कि मजाक था? नहीं बताएं, मजाक चल रहा है यहाँ पे इस वक्त। फिर हम सब कौन करेगा सेल्स टैक्स पे? वही मेरा गला दर्द हो रहा, ऊँची बोल ले। मैन्युफैक्चर तलहा कौन करेगा सेल्स टैक्स पे? जो सप्लाई कौन करेगा सेल्स टैक्स पे? यार दुकान पे सुनो, दुकान पे जाके सामान आप ख़रीद के लेके आते हो, सेल्स टैक्स दुकानदार पे करके आ रहा है कि आप पे करके आ रहे हो? मतलब अजीब सा जवाब दे रहे हो मुझे, मतलब कॉमन सेंस लॉजिक्स नहीं काम कर रही। अभी जाके लेज आप ख़रीद के लेके आते हो, टैक्स कौन पे करेगा? आपके दुकानदार कौन पे कर रहे हैं? एम ही अपने से। तो क्वेश्चन यही है कि अगर सेल्स टैक्स पे करना हो, हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, लाइबिलिटी किसकी है? अगर आप गलती से पेपर में ये लिख के आते हो ना, गलती से भी पेपर में लिख के आ गए हो कि जिसने सामान ख़रीदा है वो टैक्स पे करेगा, वाजिबुल फेल है, बिकॉज जो परचेजर है वो कभी भी टैक्स पे नहीं कर रहा। आप सामान ख़रीद के लेके आए हैं, आपने टैक्स किसको पे किया है? दुकानदार को कि गवर्नमेंट को पे किया है? यहाँ पे सवाल हो रहा है गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा। तो ये बड़ा इसमें टेक्निकल है, अगर आप इसके एग्जामिनर कमेंट से पढ़ेंगे तो बच्चे ये लिख के आते हैं कि सेल्स टैक्स सिर्फ कौन पे करेगा? जो सामान ख़रीद रहा होता है, वो नहीं है सेल्स टैक्स। रिमेंबर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को कौन पे करेगा वो हमने देखना है, कि डिपार्टमेंट को सेल्स टैक्स कौन पे कर रहा होगा ये हमने देखना है। तो तीन लोग हैं जो डिपार्टमेंट को सेल्स टैक्स पे कर रहे होंगे। नंबर वन, वो पर्सन जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, जो गुड्स
सप्लाई कर रहा है वो कौन होगा, वो डिपार्टमेंट को सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा। आप जाते हैं कारफूर पे, आप जाते हैं मेट्रो पे, आप जाते हैं अलफता पे, आप सामान लेके आए, आपने उनको सेल्स टैक्स पे की, ऐसे ही है। लेकिन वो सप्लायर था ना, महीने के एंड पे वो क्या करेगा, अपने रिटर्न जमा करवाएगा, और हुकूमत को टैक्स कौन पे करेगा, वही कारफूर या वही अलफता या वही मेट्रो वाले पे कर रहे हैं। तो मतलब जिसने सामान बेचा है ना आपको, उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, और उसने क्या करना होता है, सेल्स टैक्स जो है वो पे करना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गलती से भी आपने लिख दिया कि बायर सेल्स टैक्स पे करता है, तो पता है आपको रिज़ल्ट क्या आएगा, बायर नहीं पे कर रहा। यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ किसकी लायबिलिटी है, सेल्स टैक्स रिटर्न किसकी जमा होगी, कौन अपना आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स में से निकालेगा, तो कौन होगा, नंबर वन जो गुड्स सप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा, सेल्स टैक्स को पे कर रहा होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं, वो पर्सन जो गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा है, जो गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, सेल्स टैक्स पे करेगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट क्या किया जाता है, सेल्स टैक्स हमेशा पे किया जा रहा होता है, ठीक है। तो नंबर वन पे कौन हो गया, नंबर वन पे सेलर हो गया, नंबर टू पे हो गया इम्पोर्टर, और नंबर थ्री पे कौन होगा, हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कौन करेगा, सेल्स टैक्स पे करेगा। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, आप उनको टैक्स पे करके आ रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप फिर टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स पे करेगा। कौन कौन टैक्स पे करेगा, तीन लोग हैं, सप्लायर, इम्पोर्टर और सर्विसेज प्रोवाइडर। ये तीन नंबर का सवाल है पेपर में, और अगर आपको पास पेपर की बुक्स अगर आपके पास अभी हो तो मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स दिखा सकता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे कि बच्चे लिख के आ चुके हुए हैं कि जो सामान खरीद रहा होता है वो सेल्स टैक्स पे करता है, ये जवाब नहीं है। लायबिलिटी किसकी है, इन तीनों लोगों की लायबिलिटी है, यही क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स किस डेट के ऊपर पे होगा। पहला था Who is liable to pay sales tax? कौन sales tax pay करेगा हुकूमत को, liability किसकी होगी, वो हमने देखना है। दूसरा हमने देखना है कि payment कब होनी है, किस तारीख के ऊपर pay की जाएगा। ये दो नंबर का सवाल है कि time of sales tax क्या होगा। Remember, जब आप goods को import कर रहे होते हैं, at the time of import, जब आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उस वक़्त ही क्या पे किया जाएगा, सेल्स टैक्स पे किया जाएगा। नंबर वन, एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, जब कस्टम ड्यूटी पे की जाएगी उस वक़्त ही क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। नंबर टू, जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, हम उस डेट पे क्या कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो पेमेंट डेट कौन सी होती है, नंबर वन जब इम्पोर्ट किया जाएगा, नंबर टू जब रिटर्न फाइल की जाएगी। लायबल कौन कौन है, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, इम्पोर्टर। पेमेंट टाइम कौन सा है, ये थ्रेटिकली परस्पेक्टिव से वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं ये कंसीडर होते हैं कि ये ऐसे हैं और किस तरह से है, हम इसको लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है हाफ़िज़ साहब, अगर ये पेपर भी हो, और ये एग्ज़ाम में इतना बदतमीज़ पूछ लेता है, इनमें से एक अच्छी चीज़ पूछ लेता है, और बच्चे इतने हाई होते हैं वो उस वक्त उनका दिमाग नहीं काम कर रहा होता, पता है ना, वो जब लिख रहे होते हैं तो हाई अच्छे खासे हुए होते हैं, उनका दिमाग कहीं और पे होता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ब्लंडर मार आते हैं। अब उसके बाद जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब है चेंज इन टैक्स रेट्स, सुपर इम्पॉर्टेंट, नोट्स में
इसको लिख लें इस अटेम्प्ट के लिए, ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले साल इसी साल फरवरी में सेल्स टैक्स का रेट चेंज हुआ था। चलते महीने में सुबह उठे हैं, सेल्स टैक्स का रेट 1718 कितना कर दिया था, 18 कर दिया था। तो इस अटेम्प्ट में ये रीसेंट इवेंट हुआ है, तो रीसेंट इवेंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो जाए किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। नोट्स में गिवन है, इसको एक दफ़ा रीड करें अंग्रेज़ी को, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। पानी ला दो बस। उनका टेस्ट चैप्टर नंबर 2 का है ना ब्रार, टेस्ट चैप्टर नंबर 2 का है ना, हाँ पोस्ट का, प्री का तो नहीं है ना, प्री वाले तो सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ है, प्री वालों ने सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ है, उनका तो एज पर सेल्स टैक्स होगा। पोस्ट वालों का जो है चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट, और उसका टेस्ट कौन सा, R1 का, R1 का टेस्ट कौन सा है, ठीक है याद है, इम्पेयर तो नहीं होगी कर करके। इसे पढ़ के कुछ समझ तो नहीं आई, आई है किसको, आई है समझ बताएं ज़रा। अगर आप इस अटेम्प्ट में मेरे से पूछेंगे ना कि सेल्स टैक्स का आप कोई प्रिडिक्ट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है थ्रेटिकली 4 नंबर का, वो है टैक्स रेट का चेंज। फरवरी में अभी ये रीसेंट इवेंट हुआ था कि हमारा सेल्स टैक्स का रेट ना चेंज हुआ है, तो उसको प्रैक्टिकली हमने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है वो हमने देखना है। हुआ है रीसेंट इवेंट है, अब वो हमसे पूछ सकता है बताएं कि सेल्स टैक्स का रेट अगर चेंज हो रहा हो तो कैसे डील करेंगे। पास्ट पेपर में सिर्फ ये अभी तक पिछले 27 अटेम्प्ट्स में एक दफ़ा ही एग्जामिनर ने पूछा, 14 की अटेम्प्ट ने पूछा, उसके बाद उसने नहीं पूछा। रिमेंबर चेंज इन टैक्स रेट्स में हम मतलब क्या है कि आपका टैक्स का रेट चेंज हो गया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप आज डील कर रहे हैं 17% के ऊपर और कल जो है गवर्नमेंट रेट कर देती है 18%। अब क्वेश्चन है कि किस रेट के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे और किस रेट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, इतनी आवाज़ से मेरी भी निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है अब तो। Available to be delivered? Available to the
टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? कानूनी करानी, कोई कानूनी नहीं करानी, टाइम ऑफ सप्लाई, सीधी बात करनी है, नो बकवास, कोई कानूनी नहीं, क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई? क्या है क्या कहा है? इनका टेस्ट था आज, ख्वाब करोड़ों के, दुकान पकौड़ों की, टेस्ट इन्हें दिए, याद किया हुआ था तो वो कैसे दे दिए? चीटिंग की है। हाँ क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई? फिर कहानी करा रहे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? कैसे कैसे लोग हैं, दो बातें सिर्फ, मेड अवेलेबल और डिलीवर, विच एवर इज अर्लीयर वो टाइम ऑफ सप्लाई है। पूरी कहानी सुनाते हैं मुझे कि एक हीर थी, एक रांझा था, फिर वो उस गांव में आए और ये है, भाई दो बातें हैं, कौन सी? मेड अवेलेबल और डिलीवर। अब पहले हम बात करेंगे, हमेशा इसको इसी पर्सपेक्टिव से याद करने के इंडियन टैक्स रेट को, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? लोकल सप्लाई की। लोकल सप्लाई की हम क्या कर रहे हैं? नंबर वन पे बात कर रहे हैं कि अगर आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं, लोकल चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो किस रेट के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, उसको हमने क्या करना है जहाँ पे लेके चलना है। अब लोकल सप्लाई के ऊपर आपके नोट्स पे भी लिखा होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट करना है वो होगा कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी उस रेट के मुताबिक सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। किस रेट के मुताबिक हैदर? टाइम ऑफ सप्लाई के मुताबिक क्या किया जाएगा, रेट जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? किस रेट के मुताबिक होगा? टाइम ऑफ सप्लाई के मुताबिक। अब इस सिनेरियो को समझिएगा कि वो कैसे और किस तरह से हमसे डिटरमिन करवा रहा होगा। आपने गुड्स का ऑर्डर दिया 1 मार्च 2023 को, ये आपने क्या दिया? ऑर्डर दिया। इस दिन रेट था कितना हमारा? 17%। ठीक है, एडवांस आपने पे किया है, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं हो सकता। 25 मार्च 2023 को रेट था आपका 17%। गुड्स आपकी अवेलेबल हो गई हैं 1 मई 2023, जिससे पूछूंगा बस वही आंसर करेगा, 18%। आपने गुड्स की डिलीवरी ली है 30 जून 2023, रेट था 19%। ठीक है, मतलब पूरी कहानी, पूरा सिनेरियो है ये कि इससे ज़्यादा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, किससे पूछूं? सारे नीचे करके मुंह बैठते हैं। बताएं टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी हमारी? सवाल मेरा क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट पे होगी? सवाल मेरा क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट पे होगी? जब उधर बैठते सारे, तुम आप ही तो किधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप, सामने खाली है, ये वाला खाली है, आप सही अपनी एक बनाई हुई मस्जिद डेढ़ इंट की, आप लोग इधर बैठ जाए करें आके, ताकि बोर्ड मस्जिद बुलाएँ। बताएं कौन से डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी, बोलो।
अब साहब टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट पे है? क्या ये ऑर्डर की डेट रेलेवेंट है? क्या एडवांस की डेट रेलेवेंट है? हमारे लिए टाइम सप्लाई है जब गुड्स अवेलेबल हो जाएं या डिलीवरी हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो इस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। आप ऑर्डर दे के आए 17% रेट था, पेमेंट की 17% रेट था, जब उसने फ़ोन किया उस्ताद जी आपका सामान तैयार है, तब रेट 18% हो चुका हुआ था, मैं लेने गया तो रेट 19% था। अब मैं किसके ऊपर किस रेट पे सेल्स टैक्स पे करके आ रहा हूँगा? मैं 18% के ऊपर पे करके आ रहा हूँगा, ये पहली बात है। ये किसका स्नैरियो है? लोकल सप्लाई का। अब आप इसको वो लिखिए अंग्रेज़ी, उससे रीड करके बताएं समझ आया है। इसको भूलेंगे तो नहीं कभी भी कि लोकल के केस में क्या हो रहा होगा? भूलेंगे तो नहीं? पढ़ के बता, रट्टा नहीं लगवा रहा, इसको समझा रहा हूँ। इस अटैम्प्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, ठीक है? हाँ भी चलो याद रहेगा, किसी को तो नहीं भूलेगा ये। तो लोकल सेल्स की हमारी बात हो गई। लोकल सेल्स का असूल क्या है कि जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट्स के लिए क्या असूल है? रिमेंबर, एक ही पॉइंट, एक ही बात याद रखनी है कि जिस डेट के ऊपर आपका डिक्लेरेशन जमा करवाया जाएगा उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा आप क्या करेंगे, उसके मुताबिक सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। आप ऑर्डर देते हैं, रेट कुछ और है, शिपमेंट आती है कुछ और है, जिस दिन जाके आप पोर्ट पे अपना डॉक्यूमेंट ऑफ डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं कि जी मैंने ये गुड्स इंपोर्ट करवाई हैं, ये मेरा कंटेनर है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, वो जिस डेट के ऊपर डिक्लेरेशन जमा करवाया है उस डेट के ऊपर जो भी रेट अवेलेबल होगा उसके मुताबिक ही क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। चाहे आप गुड्स को अपनी कंजम्पशन के लिए लेके आए हैं, चाहे गुड्स इंपोर्ट हो चुकी हुई हैं, सरकारी वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, व्हाटएवर, लेकिन जिस डेट के ऊपर जाके आप अपना डिक्लेरेशन जमा करवा रहे हैं उस डेट के ऊपर क्या किया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। किसके ऊपर? जिस डेट के ऊपर डिक्लेरेशन जमा करवाया जाएगा उस डेट के ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल होगा हम उसके मुताबिक क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? हैं तो भाई गुड्स आने के बाद जमा कराते हैं, गुड्स आने के बाद जमा करवाते हैं कि मेरी ये गुड्स आ गई हैं, जमा करवा दिया, अब क्लियरेंस बाद में हो गई है वो अलग मैटर है, इंपोर्ट हुई है तो आपने जमा करवाया ना गुड्स डिक्लेरेशन। क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो लोकल का रूल क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। इम्पोर्ट का रूल क्या है? कि जिस दिन डिक्लेरेशन जमा करवा दिया उस दिन के ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है? अब हम इस रूल की पढ़ेंगे एक्सेप्शन। हम क्या करेंगे, इस रूल की एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इंपोर्ट का नॉर्मल रूल क्या है, डिक्लेरेशन डेट के ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर लिया जाएगा। नॉर्मल रूल क्या है, डिक्लेरेशन डेट के मुताबिक जो भी सेल्स टैक्स रेट होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज कर लेंगे। लेकिन इसकी एक्सेप्शन जो है वो हमने देखनी है। एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं कि अगर डिक्लेरेशन आपने एडवांस में जमा करवा दी है, गुड्स अभी तक आपकी आई नहीं है, रास्ते में ही है, समंदर में ही है, जहाज़ गोते खा रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिया है, पहले जमा करवा दिया, अब आपका कंटेनर बाद में आया, अब किस डेट के ऊपर चार्ज करेंगे? रिमेंबर, जब हम जाएंगे कंटेनर को क्लियर करवाने के लिए हम जमा करवाते हैं अपना मैनिफेस्ट,
मैनिफेस्ट जो है वो हमारा शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है जिस पे लिखा होता है कि जी ये मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर नंबर है, ये क्वांटिटी है, ये वैल्यूज़ है, आप जाके वेरीफाई करवा लें। जिस डेट के ऊपर आप मैनिफेस्ट जमा करवा रहे होंगे उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। तो ये है इसकी पहली एक्सेप्शन जो हमने देख ली। और दूसरी इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका आ गया हुआ है और वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, सामान भी आ गया हुआ है लेकिन वेयर हाउस में क्लियरेंस के लिए पड़ा हुआ है, आपने अब इसको समझिएगा, इसमें क्या हो रहा है, आपने गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवा दी। अब उसका मतलब होता है कि जब जमा करवाते हैं कहते हैं कि इतनी गुड्स हैं आपकी, इतना कस्टम, इतना टैक्स पे कर दो, सामान पड़ा है हमारे वेयर हाउस में, आप टैक्स पे करेंगे, आप सामान उठा के ले जाएंगे। ये हमने पढ़ा नॉर्मल रूल में कि जमा करो डिक्लेरेशन, सेल्स टैक्स पे करो, कहानी ख़त्म। आपका सामान आ गया पड़ा हुआ वेयर हाउस में, आपने डिक्लेरेशन जमा करवा दी है लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर ना तो आपने सेल्स टैक्स पे किया है ना उन गुड्स की डिलीवरी ली है, सामान भी आ गया हुआ है, मौजूद भी है, ना तो आपने उनकी डिलीवरी ली है और ना आपने सेल्स टैक्स पे किया 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन लैप्स हो जाएं, 7वें दिन के बाद जिस दिन आप वेयर हाउस से सामान निकलवाने जाएंगे उस डेट के ऊपर जो भी रेट होगा वो क्या किया जाएगा, टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये 3 बातें याद रखनी है। नॉर्मल का रूल क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, वो हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ ली है। फिर इंपोर्ट के लिए नॉर्मल रूल क्या है, जिस डेट के ऊपर हमारा डिक्लेरेशन जमा करवाया जाएगा वो। फिर हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़ी है नॉर्मल रूल की कि अगर गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो गया और हमारी कन्वेंस बाद में आई है फिर जब मैनिफेस्ट जमा करवाया जाएगा उस डेट के ऊपर। और सेकंड है कि अगर गुड आ गई हुई है वेयर हाउस में पड़ी है क्लियरेंस के लिए और अगर हमने 7 डेज के अंदर अंदर गुड्स को क्लियर नहीं करवाया तो फिर जब भी क्लियर करवाएंगे जितना भी सेल्स टैक्स होगा हम क्या कर रहे होंगे, उसके मुताबिक उसको टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। ये 3 बातें हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको इस अटेम्प्ट में आ जाए, मतलब जब भी सवाल आएगा बच्चे इसका जवाब नहीं लिख पाते, उनको समझ ही नहीं आती, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, उनसे होता नहीं है। आप लोगों को समझ आ गई है, 3 बातें हैं। तलहा कौन कौन सी, नंबर 1 इम्पोर्ट की, कौन सी है इम्पोर्ट की, क्लास में होती हैं आप, इम्पोर्ट की क्या रूल है, एक्सेप्शन क्या है इम्पोर्ट की, पहली मैनिफेस्ट कब जमा कराना है, अगर वेयर हाउस में गुड्स आ गए तो क्या सीन है। ये 4 बातें कुल याद रखनी है, इनको लिखो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये 4 से 5 नंबर का सवाल जो है आपको पेपर में क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। उस दिन मैनिफेस्ट की डेट के ऊपर जो भी मुल्क में रेट हुआ ना उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स पे किया जा रहा होगा। एडवांस हमने पे नहीं किया होगा, अगर कोई एडवांस पे किया हुआ है तो फिर हम एक डिफरेंशियल चेक के ज़रिए उसको एडजस्ट करवा देंगे। आपने फॉर एग्जांपल एडवांस पहले पे किया था 5% का, अब रेट आपको लग गया 20% का, आपने ऑल द चेक पे 12 करना था बट आप 15 का चेक पे करेंगे तो डिफरेंशियल अमाउंट पे हो जाती है। अब ये पास्ट पेपर में सवाल आया हुआ है सामने नज़र आ रहा है, ये सीफैप का सवाल है और आपको पता है आपको सीफैप में जाने में कितने अरसे लग रहे हैं, 750 साल हैं, 1 साल, एक समय तरह कैप क्लियर नहीं होना, तेरा टैक्स क्लियर होते 3.5 साल हो जाने, जो तेरी हरते चल रही हैं 1.5-1 साल में कैप कर रहे हैं, नीचे वारागर्दी कर रहा होता जब भी मैं आता हूँ, मैंने आंसू देखे खड़ा हुआ था, वाह। अब ये September 14 में सवाल आया इसका एक कैश लेवल के ऊपर कि टैक्स चेंज कब होता है, और इस अटैम्प्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, इतिहास गवाह है कि आईकैप का एग्जामिनर एग्जैक्ट 9 साल के बाद ये सवाल रिपीट करेगा। क्यों, बिकॉज जब जिस अटैम्प्ट में ये सवाल आया था उस अटैम्प्ट में भी सेल्स टैक्स का रेट चेंज हुआ था, आई गेस 13% से उठा के 17% कर दिया गया था इस हाकडार के ज़माने में, और अब फिर इस हाकडार के ज़माने में ही 17% से उठा के क्या किया गया है, 18% किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आगे चलें। किसी की क्लास तो नहीं अभी, सारे वेले हैं ना, वो टाइम ही बहुत है, दस ना आज हम टैक्स के प्रिय वाले बच्चों को आगे बिठाएंगे 3:30 बजे। 3 बजे
आपकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कहते हैं एक्टिव लिसनर होना चाहिए बंदे को। ये बस 15 मिनट और, तू फिर फोत होता, सब्र कर। ये वाला पॉइंट है रिटेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे रिटेल आइटम्स को, क्या होती हैं, किस तरह है चलती हैं, इसमें जो है वो क्या आई हैं, अभी रिसेंट चेंजेस आई हैं सेल्स टैक्स में, जो बड़ा एक जो है अजाब बिल्ड किया हुआ है, किस तरह से हो रही है और किस तरह से चल रही होती है, वो हमने क्या करना है, वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब मेरे से पूछना कौन सा वैल्यू सप्लाई में पढ़ाया होगा रिटेल पर, कि रिटेल से कम आप सामान कभी नहीं बेच सकते, ये रिटेलर में भी पढ़ाया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिटेल प्राइस क्या होती है, इसको हम लेके चलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसको हम देखते हैं। देखिए नॉर्मल ना एक सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, अगर आप मैं नॉर्मल सप्लाई चेन की बात करूं, एक शख्स है नंबर वन पे, वो कौन होगा, इम्पोर्टर होगा। कौन होगा? इम्पोर्टर होगा। वो गुड्स को इम्पोर्ट करेगा कितने की, उसने 1 लाख की गुड्स इम्पोर्ट की, 18% के हिसाब से ये क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा कितने का, 18,000 का टैक्स किसको पे करेगा, ये गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। ठीक है, इम्पोर्टर ने गुड्स इम्पोर्ट की, 18% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, ये इसके लिए क्या कहलाएगा, इम्पोर्टर के लिए इनपुट टैक्स कहलाएगा। फिर इम्पोर्टर जो है ये आगे ये सामान सेल कर देता है मैन्युफैक्चरर को, किसको, मैन्युफैक्चरर को, और इसने ये सामान इसको बेचा 1,20,000 रुपये का, 18% के हिसाब से ये टैक्स लेगा, बताएं कितना टैक्स लिया होगा मैन्युफैक्चरर से इसने, कैलकुलेटर निकाल लो यार, 21,600 क्या लिया होगा इसने, आउटपुट टैक्स लिया होगा। अब देखिए इम्पोर्टर ने क्या किया है, इम्पोर्टर ने 21,600 का आउटपुट टैक्स लिया है, कितना पे किया था 18,000, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेगा, रिमेनिंग कितना होगा 3600 रुपया, ये किसे पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो अभी हमने पढ़ा है हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, पढ़ के आए। अब इम्पोर्टर ने जब इम्पोर्ट की तब भी इम्पोर्टर ने टैक्स पे किया, जब इम्पोर्टर आगे सेल कर देगा इससे लेके भी 3600 गवर्नमेंट कौन पे कर रहा है, इम्पोर्टर पे कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर भाई साहब जो हैं ये 1,20,000 रुपये का सामान खरीद के ले आए हैं, ऐसे ही हुआ है, और मैन्युफैक्चरर ने ये 21,600 का टैक्स पे किया है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। अब मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है, प्रोडक्शन करता है, चेंज करता है, सब कुछ करता है, और आगे जाके ये बेच देता है, सेल कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ये कहता जी मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ये बेचूंगा 1,50,000 रुपए का। अब डिस्ट्रीब्यूटर को 18% के हिसाब से टैक्स अगर लिया जाए कितना बनता है, ये 27,000। अब 27,000 क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इसने डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स कितना लिया, 27,000। ये टैक्स कितना पे करके आया था, 21,600। इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी ज़रा बताएं, ये 5,400 है, ये क्या कर देगा, हुकूमत को पे कर देगा। इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे, ऐसे ही है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने भाई साहब ने आगे बेच दिया होल सेलर को, और इसने बेच दिया 1,60,000 का 18% के हिसाब से, कितना टैक्स इसने लिया होगा होल सेलर से, 28,000। अब 28,800 क्या होगा इसके लिए, आउटपुट टैक्स। इसने कितना पे किया था, 27 पे किया था, ये कितना गवर्नमेंट को पे कर देगा, 1,800।
अठारह सौ पूरा, अट्ठाईस आठ सौ में सत्ताईस का कितना बनता है, 1800 जो है ये क्या कर देगा, ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, ये इसकी लाइबिलिटी होगी। अब होल सेलर किसको बेचेगा सामान, रिटेलर को। अब ये फॉर एग्जांपल आगे बेचता है रिटेलर को 175,000 का, रिटेलर से कितना टैक्स लेगा, 31,500। अब इसने कितना पे किया था, 28,800, इसने लिया कितने, 31,500, लेस करवाएं कितना बनता है, 27,200 जो है ये क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही है। यहाँ बैठ जाए अगर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है, अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है यार, अब्रार वो लाइट पहली वाली बंद कर दो, रिफ्लेक्शन ऑफ हो जाती है बोर्ड से। अब्रार भाई जान लाइट पहली बंद कर दें, पहला बटन है लेफ्ट वाला ऊपर वाला, एग्जैक्ट बटन भी बता रहा हूँ, चेक करना भी क्या करता, चेक करना ज़रा भी क्यों भाई, वीडियो में है, रिकॉर्डिंग पे है, मैंने इसको बटन बताया है, पहला बटन लेफ्ट वाला ऊपर वाला, ये देख भाई इसे कहते हैं पहला बटन, साथ ऊपर वाला ये लेफ्ट पे है, पहला बटन है, क्यों भाई, तालियां होती कि नहीं होती, इज्तमाही तालियां बार भाई के लिए। जिंदगी में इतना हाई होना है हमने कि उसको मैंने एग्जैक्ट रेफरेंस भी दिया है कि तुमने यहाँ से आके पहला बटन ऑफ करना है, मुझे पता था सेकंड ही करेगा ये, बिकॉज ये सुन नहीं रहा था। ऑडिट की नहीं, तुम लोगों की टेंशन लेके बैठा होगा हाई होने की, वही मार्कर चेंज हो गया ना तो समझा करो, नए मार्कर की नए इंक अगर बंदा सुनता तो इतना हाई हो जाता है। तो ये देखिए, आप इम्पोर्टर से लेके रिटेलर तक की बात करें, क्या हर बंदे ने अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर लिया। अगर इम्पोर्टर ने अपनी पॉकेट से 18,000 पे किया था, 21,600 लेके अपने 18 पूरा रख लिया, बाकी इसने पे कर दिया। अगर इसने 21,600 पे किया है एडजस्ट करके ऊपर पे कर दिया, इसने भी एडजस्ट, इम्पोर्टर से लेके रिटेलर तक, क्या इन चारों लोगों में से किसी भी बंदे की पॉकेट के ऊपर कोई बर्डन आया, क्या किसी की जेब से भी 1 रुपये का टैक्स गया, नहीं गया। अब हम किसको पकड़ते हैं, रिटेलर जो है, रिटेलर सामान किसको बेच देगा, रिटेलर सामान बेच देगा एंड कंज्यूमर को। अब ये उसको बेचता है 180,000 का, इससे लेता है 18%, बताएं कितना टैक्स लिया होगा, 31,400 पे किया, 32,400 ले लिया, कितना पेएबल आएगा, 900 जो है ये क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब एंड पे कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया, कंज्यूमर ने 180,000 का सामान लिया प्लस 32,400 जो उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स था, वो सारा किसने पे किया, कंज्यूमर ने पे किया। ऐसे ही है, क्या ये एंड कंज्यूमर इस 32,400 कहीं पर एडजस्ट करवा सकता है, नहीं। आप एक काम करें, 18,000 प्लस दिस 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 एंड दिस, इनको जमा करके बताएंगे तो इस पूरी सप्लाई चेन की जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है ना, वो कितनी बन रही होगी, 32,400 ही बन रही होगी। इस पूरी सप्लाई चेन की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी बन रही है, 32,400। तसली कर लें, वेरीफाई कर लें, कर लें वेरीफाई, मेरी बात पर यकीन नहीं है, कर लें, चलें नहीं कर लें, कर लें कर लें कर लें कर लें, मैं ज़रा चाय पी रहा हूँ, वो मैं नहीं कह रहा। आ गया जवाब बराबर है, कोई डिफरेंस 1 रुपये का भी। तो इसका मतलब इस सप्लाई चेन के ऊपर जो टोटल टैक्स का इंसिडेंस आया था वो कितना आया था, 32,400 का, और ये 32,400 का 32,400 किसकी जेब से निकल रहा है। तो इसलिए इस हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, समझ लगी, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, इनको कुछ नहीं गया, इनका कुछ गया नहीं है, उसका कुछ रहा नहीं है, इनका कुछ गया नहीं है, बिकॉज उनकी पॉकेट से क्या जा रहा है, इस महीने पे करके आ रहे हैं,
कल को बेच रहे हैं, रिकवर करवा रहे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। आपका कसूर है पाकिस्तान में पैदा हुए, उससे बड़ा कसूर है किसी के दोस्त बन गए हैं चले। तो इनका कुछ गया नहीं है, इसका कुछ रहना नहीं है। तो डैश वाइज से हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम इसको वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों कहते हैं। देखें, लाख का सामान लिया, एक बीस का बेचा, इसने कितने की वैल्यू एडिशन की है, इस 20 की वैल्यू एडिशन की वजह से 3600 टैक्स एक्स्ट्रा आया। अगर ये लाख का लेके लाख का ही बेचता, कुछ आना था। अब इसने एक 20 का लिया, डेढ़ का बेचा, इसने 30,000 की क्या की है, वैल्यू एडिशन की है। अब आप जरा देखें, 30,000, अब मेरा गला थोड़ा ठीक हो रहा है, दर्द मतलब शदीद हो रही है, बर्दाश्त हो गई है गले की दर्द, अब मैं ऊंचा बोलूंगा। ये कितना बनता है, 5400। अब इसने जितनी की वैल्यू एडिशन की है ना, इतना ही क्या था, टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो आप जितनी वैल्यू एडिशन करेंगे, उतना ही क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा वैट का, तो ये इसलिए क्या कहला रहा होता है, वैट कहला रहा होता है, वैट कंसिडर हो रहा होता है, ठीक है। अब ये थी नॉर्मल कहानी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि जी एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो रजिस्टर्ड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह लेके चल रहे हैं, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। क्या पाकिस्तान में ये सप्लाई चेन रजिस्टर्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज जो बंदा रजिस्टर्ड है वही आउटपुट टैक्स ले सकता है, और वही बंदा क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स ले सकता है, द आंसर इज नो। वो कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स क्लेम कर सकता है, द आंसर इज नो। तो ये तो आइडियल सप्लाई चेन है कि जी इंपोर्टर से लेकर जो एंड कंज्यूमर है, रिटेलर तक क्या होंगे, तमाम लोग रजिस्टर्ड होंगे। अब लोग रजिस्टर्ड नहीं भी होते, आपका होलसेलर रजिस्टर्ड नहीं है, जो गली मोहल्ले में असलम भाई बैठे हुए हैं या जो दूध की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो भी लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते। और हमारे पास कुछ ऐसे गुड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो हमारे पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जो क्या होती हैं, कंज्यूम होनी होनी है। जैसे पेट्रोल इसमें नहीं आएगा, कंजम्पशन की बात करूँ, जैसे आटा, दूध, दही, हो जो और सारे बन जाओ गुजर बीच में, चाय की पत्ती हो गई, साबुन, शैम्पू, सर्फ, स्पाइसेस जितने भी हैं वो, अब नमक सब ने इस्तेमाल करना है, स्पाइसेस हो गए, बिरयानी मसाला हो गया, सब कुछ इस्तेमाल करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये कल को जी पेपर देने था आई कैप में शहबाज साहब, और घर आके फुल एक क्या करते हैं, एक्ट कर रहा है कि मैं पेपर दे के आया हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जान मारी है, ऑल दो सिक्स सवाल दो किए हैं पेपर में बैठ के, बट घर में आके इसने पूरी एक्टिंग तो करनी है ना, कि मैंने भाई पूरा पेपर किया, पसीनों पसीनी हो गया, आई कैप के हॉल में कोई पंखा नहीं था, जो सारा पानी आया हुआ था, शार्क तैर रही है, मैंने एक पूरे ना केटू के ऊपर बैठ के पेपर किया और पूरा पेपर करके आया हूँ। आगे पूरे घर कहानी सुनाएगा, कहेगा अम्मी अब क्या करनी है, मैंने बिरयानी खानी है, ऐसे ही करेंगे इसकी अम्मी। तो एक पूरी फरमाइश लेने के लिए क्या करेगा, अपने आप को एक मजलूम साबित कर रहा होगा। अब वो जो बिरयानी मसाला है ये किससे लेने जाएंगे, रिटेलर से, कि जो नेशनल की कंपनी है वहाँ पे जाएंगे, मतलब ये कॉल करेगा नेशनल के सीईओ को, वो बैठा हुआ है वो बलूचिस्तान में, वो वहाँ से उठेगा, हेलीकॉप्टर पकड़ेगा, इसके लिए एक 15 वाला सेशन लेके आएगा, ऐसे होगा नहीं होगा ना। इसने किसके पास जाना है, रिटेलर के पास, असलम भाई के पास, या जो इसका मुस्तकबिल का होना शहबाज करियाना स्टोर, वहाँ पर जाएगा। अब वो जो है असलम भाई, क्या वो रजिस्टर्ड है, नहीं, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो इससे सेल टैक्स ले सकते हैं, शाबाश। जब वो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या वो किसी किस्म का कैसे करेगा, जब वही तो हम पश्तों में अर्ज कर रहे हैं, जब एक बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो कभी भी अपना इनपुट क्लेम कर सकता है, नहीं, तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब असलम भाई जिससे लेके आया होगा वो भी कौन होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो जिससे लाए होंगे वो भी कौन होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ये टैक्स की सारी कहानी चल नहीं सकती, अगर टैक्स की सारी ये कहानी नहीं चलेगी तो यहाँ पर टैक्स चोरी भी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है हम ना कुछ अल्टरनेटिव निकालते हैं, हम कुछ स्पेशल कैटेगरीज गुड्स की बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको हम रिटेल गुड्स कहेंगे, उनको हम फॉल करवाएंगे थर्ड कैजुअल में।
ये वो गुड्स हैं जो मेजोरिटी हमारी आवाम ने कंज्यूम करनी ही करनी है। साबुन, सर्फ, बोतल, स्टिंग पिए कभी खरीद के, स्टिंग, लेस, पेप्सी, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवाम ने कंज्यूम करनी ही करनी। नमक हो गया, आप नमक के बगैर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कैसे रहेगा बेटा तुम? तो ये चीज़ें वो हैं जो हमने पब्लिकली कंज्यूम कर रही हैं, तो इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और ये नॉर्मली बिकती हैं छोटे दुकानों पे, और छोटे दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है। अब सेल्स टैक्स ऐसे मूव भी नहीं हो सकता, सेल्स टैक्स हमने कलेक्ट भी करना है तो कैसे करेंगे? हमने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, हम आपको क्या करते हैं, हम आपको ले कर चलते हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम्स में। इसी तरह गवर्नमेंट जो है दिखाती है छुरा और क्या करती है, टैक्स ले रही होती है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट देखिएगा। गवर्नमेंट ने क्या है कि जी बिरयानी मसाला किसने बेचना है बना के? नेशनल वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने। दही किसने बेचनी है? नेस्ले वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने। आगे भाई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है नहीं है, ये रजिस्टर्ड है नहीं है, ये रजिस्टर्ड है नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम पकड़ लें किसको जाके? हमने सिर्फ पकड़ना है किसको? मैन्युफैक्चरर को। हमने किसको पकड़ लेना है? मैन्युफैक्चरर को पकड़ लेना है। हम कहेंगे हाँ भाई कितने का सामान बेचना है? कहेगा उस्ताद जी 150 रुपये का। कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं जी आप चाहते हैं आपकी ये प्राइस कितनी होनी चाहिए? 150 होनी चाहिए। यही चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, दिस इज़ योर रिटेल प्राइस। ये क्या है? रिटेल प्राइस है कि आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट अवाम 150 रुपया दे के ख़रीदे। इस रिटेल प्राइस में तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़, हर एक चीज़ जो है वो शामिल है। वो कहेंगे ठीक है, आप चाहते हैं कि ये आपकी वैल्यू है, इसके ऊपर सामान बेचना चाहते हैं, इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है? 18% के हिसाब से बताएं कितने? 27 रुपीज़ ये है। इसको जमा करें कितना बनेगा? 177। वो कह देंगे कि ठीक है आप ये बेचना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आप इसी फॉर्म में ये प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप? इस प्राइस को इसी अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करेंगे। ये प्रिंटेड होगी, लेबल्ड होगी, एम्बोस्ड होगी, लिखी हाथ से नहीं, गत्ते के ऊपर, ट्यूब के ऊपर प्रिंटेड होगी। इस पर क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि सर ये जो है ना मेरी, ये दिस इज मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि ये मेरी क्या है? वैल्यू सप्लाई है। इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है? 2700 रुपये, और आपने कितनी कीमत लिख दी है? 177। अब जब कस्टमर आया है, कस्टमर कितने पे करेगा दुकानदार को? कस्टमर 177 ही पे करेगा। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना था, मैन्युफैक्चर हुआ था, एट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैच बना, गवर्नमेंट वाले आ गए हाँ भी बैच बना, कितने गुड्स हैं? इतने गुड्स बनाई हैं कि ठीक है 27 × 100 क्या करो कितना बनता है? 2700। ये टैक्स गवर्नमेंट किससे ले लेगी? मैन्युफैक्चरर से ही ले लेगी एडवांस में। जैसे ही उसने गुड्स बनाई हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे? ये टैक्स क्या कर रही है? एडवांस में ही कलेक्ट कर रही है। अब वो उसने गुड्स मैन्युफैक्चर कर ली हैं, उसने गुड्स बना ली हैं, तो फिर क्या कर लिया गवर्नमेंट ने? उसी से उसी वक्त टैक्स ले लिया है। गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि भाईजान आपकी गुड्स बिकी हैं नहीं बिकी, लेकिन गवर्नमेंट उसी टाइम के ऊपर, उसी इंस्टेंस के ऊपर क्या कर रही है? आपसे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे थर्ड स्केड्यूल आइटम या रिटेल आइटम कह रहे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो फीचर है, जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, वो यही है कि जब भी ये गुड्स बनाई जाती हैं, जब भी ये गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इसका टैक्स कौन पे करेगा? इसका टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर पे कर देगा। अब जब मैन्युफैक्चरर ने ही सारे का सारा टैक्स पे कर दिया, जब अगर मैन्युफैक्चरर ने ही सारे का सारा टैक्स पे कर दिया, आगे बंदा कोई रजिस्टर्ड है नहीं है वट एवर, उसको गवर्नमेंट से कंसर्न ही नहीं है। गवर्नमेंट को कोई किसी किस्म का कंसर्न उससे है ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? आप बेशक आपका असलम भाई रजिस्टर्ड है, आपका असलम भाई रजिस्टर्ड नहीं है, या जो भी मसला है, गवर्नमेंट ने क्या करना है? टैक्स ले लिया। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स पूरा आ चुका हुआ है,
जब एंड कंज्यूमर जाएगा दुकानदार से सामान खरीदेगा, वो उससे कितने पैसे पे करेगा? 177। रिटेलर पैसे लेके किसको दे देगा? होलसेलर को। वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। एंड पे किसके पास जाएंगे? मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर को पैसे मिलेंगे, उसमें से क्या कर लेगा? टैक्स अपना एडजस्ट करवा रहे होगा। जैसे ये एक रिटेल आइटम है, अब देखें इसके ऊपर ये मैंशनड होगा। आप अपने लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे उनके ऊपर ये कीमत क्या होगी? हमेशा मेंशन होगी कि ये मेरी क्या है, ये मेरी रिटेल प्राइस है, इसके ऊपर दुकानदार ने सामान बेचा है, इसके ऊपर इतना टैक्स शामिल है, टोटल कितना है? 130। मैं जब गया मैंने 130 पे करके आया हूँ, उन्होंने मेरे से सेपरेट सेल टैक्स नहीं मांगा। मैंने कितना पे किया है? 130। पहली बात है, ये तमाम टैक्स कौन पे कर रहा है? एंड कंज्यूमर ही पे कर रहा है। सारा बर्डन किसके ऊपर है? एंड कंज्यूमर के ऊपर। मैंने पे किए किसको? कारफूर वालों को। उन्होंने पे किए जाकर किसको? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर वाले को। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? इसमें सारे टैक्स की अमाउंट जो है वो रिकवर करवा ली। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? रिटेल आइटम्स कहला रही होती हैं। अच्छा, रिटेल आइटम्स के ऊपर अगर हम चलें, इसकी बात करें, तो रिमेंबर इसके सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि इसकी प्राइस कौन फिक्स करेगा? मैन्युफैक्चरर फिक्स कर रहा होगा, या जो हमारा FBR है, हमारा बोर्ड है, वो क्या कर रहा होगा? इसकी प्राइस फिक्स कर रहा होगा। कौन फिक्स करेगा? मैन्युफैक्चरर या बोर्ड। और टैक्स कौन पे कर देगा स्टार्टिंग पे? मैन्युफैक्चरर ही सारा टैक्स पे कर देगा। और गवर्नमेंट को टैक्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरे का पूरा आ गया, ठीक है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि सर, समटाइम्स होता है कि ये प्रोडक्ट है 177 की, आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दुकान पे लेके आते हैं या हम हाइपर स्टार जाते हैं, वहाँ पे ये हमें 175 की मिल रही होती है, हमें तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा होता है, ऐसा है कि नहीं होता है? तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगले बंदे ने अपनी कमीशन अपने प्रॉफिट पर डिस्काउंट दी है। टैक्स इसके हिसाब से गवर्नमेंट को पूरा पे हो गया, टैक्स में 1 रुपये की भी कमी नहीं हुई। वो जो आपको सस्ती चीज़ बेच रहा है, वो अपने कमीशन मार्जिन, अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर खेल रहा है। प्रोडक्ट की प्राइस जो प्रिंट हो गई हुई है, इसके मुताबिक जो भी टैक्स था गवर्नमेंट को, वो पे हो चुका हुआ है। टैक्स में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होगा। वो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे होते हैं? आपको डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, और वो डिस्काउंट्स किस में जा रहे होते हैं? उनके कमीशन्स में से, उनके प्रॉफिट्स में से क्या हो रहे होते हैं? चार्ज किए जा रहे होते हैं, ठीक है, समझ लगी। इसलिए देखा होगा कि गली से जाके आप हेड एंड शोल्डर लें, महंगा मिलता है। जाके आप परचेज करें मेट्रो से, सड़ सस्ता मिल रहा होता है। वो क्यों? उनके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो डायरेक्टली जाके उनको सामान दे देते हैं, बीच में से इसकी कमीशन, इसकी कमीशन सारी ख़त्म हो जाती हैं। अब उस मैन्युफैक्चरर के पास में 2 बंदे रिड्यूस हो गए हैं, उसने भी किसी से ख़रीदा नहीं है, तो वो बेचेगा तो डायरेक्ट इनके आपस में ताल्लुक है, तो इनके पास क्या होगा? फिर प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर खेल के ऊपर, अपने कमीशन्स के ऊपर खेल के आपको डिस्काउंट दे रहा होता है। फिर जाके आप लड़ रहे होते हैं कि मैंने आपसे लिया, आप इतने का दे रहे हैं, वो चीज़ जो है हाइपर स्टार में इतने की मिल रही है, ये जो ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती नहीं हो रही, उसके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, इसके पास पूरी सप्लाई चेन ख़त्म हो गई है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो भी कीमत लिखी जाएगी, वो सारे का सारा टैक्स कौन पे करके बैठा होगा? मैन्युफैक्चरर ने पे किया होगा। टैक्स में कोई कमी वगैरह नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? रिटेल आइटम कहला रही होती हैं। अब इसमें हम नॉर्मल रेट किसके ऊपर चार्ज कर रहे होंगे? 18% के ऊपर हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे, या हमारे पास 8 स्केड्यूल है रिड्यूस रेट का, उसके मुताबिक भी क्या हो रहा होगा? टैक्स चार्ज हो रहा होगा। 8 स्केड्यूल में भी हमारे पास कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर हम रिड्यूस रेट के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, ब्लू बैंड हो गया, चीज़ हो गया, जितने भी आपके फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा 10% के हिसाब से। तो इनके ऊपर यहाँ पर लिस्ट है, वो भी इसमें फॉल कर रही होती हैं। उसके अलावा जो भी इसके ऊपर गुड्स फॉल कर रही हैं, रिमेंबर मैन्युफैक्चरर बाउंड है, वो रिटेल आइटम्स की प्राइस हमेशा क्या करेगा? पब्लिश करेगा, लिखी होगी, प्रिंटेड होगी, हाथ से नहीं, उस प्राइस के ऊपर, उस लेबल के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर क्या की जाएगी? ये कीमत हमेशा मेंशन होगी, ये कीमत हमेशा लिखी होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रटे नहीं मारने, सिर्फ ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। और तीसरा जो सेल्स टैक्स वगैरह है, वही होगा जो वैल्यू सप्लाई पे चार्ज हो रहा होता है, मतलब जो ये वैल्यू सप्लाई है इसके मुताबिक क्या किया जाएगा? हमारा सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज किया जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिटेलर, ये हम डेफिनेशंस पढ़ के आ चुके हुए हैं, रिटेलर किसे कहते हैं? रिमेंबर रिटेलर वो पर्सन है, अब आपको समझ आ गई होगी इस सप्लाई चेन से भी और ये बात पढ़ के भी,
कि रिटेलर कौन होता है। रिटेलर इज़ बेसिकली अ पर्सन जो गुड्स को जनरल पब्लिक के लिए सप्लाई कर रहा है ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। ये ड्रग्स किससे लेके आता है? मैन्युफैक्चर से लेके आता है। मैन्युफैक्चर ने जो कीमत बताई होती है, जो उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, और कहाँ सेल कर रहा होता है, अपनी रिटेल आउटलेट से सेल कर रहा होता है। ये क्लियर है? ये हमने वहाँ भी पढ़ी थी, ये हम यहाँ भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद है रिटेल प्राइस, ये हम पढ़ के आए थे। अब आप इसको पढ़ें, ये कीमत हमने लिखी हुई है, वो प्राइस भी मैंने शो की है। अब आपको समझ आ जाएगी कि रिटेल प्राइस क्या होती है। ये वो कीमत है जो किसने फिक्स की है, मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने। अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्टर ने कीमत फिक्स की है, अगर गुड्स बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरर ने वो क्या की है, कीमत फिक्स की है। और इस कीमत में तमाम टैक्सेस, तमाम ड्यूटीज, हर कुछ जो होगा शामिल होगा, और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये चीज़ें जो हैं आवाम को बेची जाएंगी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, और ये कीमत जो है वो हमेशा क्या होगी, प्रिंटेड होगी। ये हमारी क्या कहलाती है, रिटेल प्राइस कहला रही होती है। ये फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। और कौन फिक्स करेगा? इंपोर्टर केस में इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर केस में मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है। गॉट इट? उसके बाद FBR के पास भी ये पावर है, वो किसी भी ब्रांड के ऊपर, किसी भी वैरायटी ऑफ गुड्स के ऊपर कोई भी कीमत चाहे वो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। वो कोई भी अमाउंट, कोई भी रेट जो है फिक्स कर दें, उससे कम वैल्यू के ऊपर फिर आप जो हैं वो सेल नहीं कर रहे होंगे। ये उनके पास जो है पावर्स होती हैं। ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं कि FBR ने जो कीमत फिक्स कर दी वही होगी, उससे कम पे सेल नहीं कर सकते। अब ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसलिए है बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रिटेल आइटम्स को बेच रहे होते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रिटेल आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। कभी भी रिटेल आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि, इसको समझिएगा एक मिनट, रिटेल प्राइस है 150, ठीक है, एक मिनट समझ लेना। प्राइस क्या, रिटेल 150, टैक्स कितना चार्ज हुआ 27। गवर्नमेंट को ये हर हालत में 27 के 27 रुपए ही मिलने हैं। आप कभी भी इसको 150 को काट के 145 का नहीं बेच सकते और आपका टैक्स 26 रुपए नहीं हो सकता। आप कभी भी अपना टैक्स रिटेल आइटम के ऊपर कम नहीं कर सकते, इसलिए रिटेल आइटम्स के ऊपर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। जो चीज़ रिटेल गुड्स हैं वो हमेशा रिटेल आइटम्स के ऊपर ही सप्लाई होंगी, उससे कम कीमत के ऊपर वो सप्लाई नहीं हो रही होंगी। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हैं, इसमें से ज़रा देखने वाली चीज़ है। हमारे पास ना दो तरह के रिटेलर्स हैं, एक हम कहलाते हैं टीयर वन रिटेलर्स, जिसे हम स्पेसिफाइड रिटेलर्स कह रहे होते हैं, और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स, जिसे हम अदर देन टीयर वन कह रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं टीयर वन रिटेलर्स की, इसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है। टीयर वन रिटेलर या स्पेसिफाइड रिटेलर कौन से होते हैं, कि कोई भी रिटेलर जो ऐसा यूनिट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर के तौर पे काम कर रहा है, मतलब इम्तियाज़ हो गया, मेट्रो हो गया, कारफूर हो गया, इस तरह के जो भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के तौर के ऊपर या नेशनल ब्रांड्स के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहला रहे होंगे, स्पेसिफाइड रिटेलर्स जो है वो कहला रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी रिटेलर जो किसी भी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में, किसी भी प्लाजा में या किसी भी सेंटर में काम कर रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड रिटेलर कहला रहा होगा। हाँ, जो शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे होते हैं दुकानों में, वो हैं, लेकिन जो क्योसिस खोल के बैठे हुए हैं, खोखे लगा के बैठे हुए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। मतलब आप अगर एंटर होते हैं पैकेजेस मॉल में, तो देखिए आपके जो वॉकअवे है वहाँ पर लोगों ने काउंटर्स रखे हुए हैं, वो काउंटर्स भी इसमें नहीं आ रहे होते। एम्पोरियम जाते हैं, जो काउंटर्स लेके बैठे हुए हैं दाएं बाएं, वो नहीं आ रहे। जो दुकानों में बैठे हुए हैं वो कौन होंगे, रिटेलर के तौर के ऊपर ट्रीट हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा रिटेलर जिसका 12 महीने का बिल इकट्ठा 1.2 मिलियन से ज़्यादा होगा, उसे भी हम क्या कह रहे होंगे, स्पेसिफाइड रिटेलर में फॉल करवा रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा रिटेलर जो होलसेलर भी है, मतलब वो होलसेलर भी है और रिटेलर भी है, बल्क में सामान लेके आता है, बल्क में सप्लाई कर रहा है, जैसे मेट्रो है, जैसे कारफूर है, ये होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, तो ये भी हमारे क्या कहला रहे होंगे, स्पेसिफाइड रिटेलर जो हैं वो कंसिडर हो रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिटेलर जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, या कोई भी ऐसा फर्नीचर शोरूम जिसकी दुकान का साइज़ 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो वो भी कौन कहलाएगा, हमारा
स्पेसिफाइड रिटेलर कहला रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कोई भी ऐसा दुकानदार जिसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई हुई है या ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू डेबिट कार्ड थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब मशीन रखी हुई है मशीन से स्कैन करके वो पेमेंट रख लेता है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड रिटेलर जो है वो कहला रहा होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अगर FBR कह दे कि आप रिटेलर हैं स्पेसिफाइड, तो आप क्या होंगे, आप स्पेसिफाइड रिटेलर ही शुमार हो रहे होंगे। अब ये जो स्पेसिफाइड रिटेलर ना, जो हमने अभी Tier 1 रिटेलर पढ़े हैं, जो इसका पूरा क्राइटेरिया है क्या क्या क्या, आप नेशनल स्टोर में काम कर रहे हैं या आपका कोई ऐसा एयर कंडीशन मॉल में है, बिजली का भी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है, होलसेलर कम रिटेलर है, शॉप का साइज 1000 के से ज़्यादा है, या अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई हुई है, इन लोगों के लिए लाजमी है कि ये रजिस्टर्ड होंगे। ये लोग सेल्स टैक्स में क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। मिस रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, हाँ ए पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, वो क्या है इसमें ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होंगे, ये प्रॉपर सेल्स टैक्स का सिस्टम मेंटेन करेंगे, आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, इनपुट टैक्स लेस करेंगे, इनवॉइसिंग सब कुछ कर रहे होंगे। कभी आप जाके इन स्टोरों से सामान लेते हैं तो आपको बिल दिया जाता है, जैसे अगर आप जाते हैं केक्स एंड बेक के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर आपको बिल दिया जाता है, आप कारफूर चले जाएँ, इम्तियाज चले जाएँ, स्पेशली मेट्रो की इनवॉइस सबसे अच्छी इनवॉइस होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी जो आपको जो सामान बेचे, ये वाली गुड्स जो है थी 18% की थी, ये गुड्स 10% की थी, ये गुड्स एग्जेम्ड थी, ये गुड्स रिलेटेड थी, पूरा उसने ब्रेकअप दिया होता है। फिर जो वो आपसे अमाउंट लेता है, लिखा होता है कि ये मेरी वैल्यू सप्लाई थी, इतना टैक्स मैंने आपसे लिया है, तो वो आपसे क्या लेता है, आउटपुट टैक्स। महीने के एंड पे अपने रिटर्न जमा करवाएंगे, जिन्होंने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो लेस करवाएंगे। तो ये लोग क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो प्रॉपर सेल्स टैक्स का सिस्टम जो है इन्होंने अडॉप्ट किया होता है, उसके मुताबिक तमाम चीज़ें क्या हो रही होती हैं, कैलकुलेट हो रही होती हैं। तो Tier 1 के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मेट्रो की जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट है, उसका इन्वॉइसिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है, बिकॉज उनकी हर एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन गिवन होता है कि ये चीज़ जो है आपकी एग्जेम्प्ट है, ये चीज़ जो है वो आपके टैक्सेबल में है, ये चीज़ जो रिलेटेड है, कभी इसको गौर कीजिए, कभी वहाँ से सामान लीजिएगा, आपको चलेगा पता क्या होता है, किस तरह से होता है। उसके बाद है हमारे पास रिटेलर्स अदर देन Tier 1 रिटेलर्स। इनके अलावा जो लिखे डेफिनेशंस, जो इनके अलावा हैं उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। अब देखिए, जो हमने Tier 1 की बात की है ना, इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, ये अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो क्या करेंगे, जमा लाजमी करवा रहे होंगे। लेकिन जो इनके अलावा हैं उनके लिए क्या है कि ये समझते हैं कि हमने रजिस्टर्ड नहीं होना, हम बच गए हैं, हम सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, मतलब जो गली मोहल्ले के असलम भाई वगैरह बैठे हुए हैं, ये बड़े खुश हैं कि जी वो बेवकूफ़ हैं, रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे नहीं कर रहे होते। गवर्नमेंट कहती है रुको ज़रा, सब्र करो, हम आपको वहाँ रख के मारेंगे, आपको समझ नहीं आनी, क्यों, हम टैक्स तो ले, आपको लग रहा है आप टैक्स पे नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे टैक्स ले रहे हैं आपके बिजली के बिलों में। इसलिए इन्हें इनके मीटर्स जो हैं आते हैं लेस्को वाले, डोमेस्टिक मीटर उतारते हैं, क्या कहते हैं, कमर्शियल मीटर लगवाओ, है तो कि नहीं, मतलब दुकान के ऊपर अब कभी भी डोमेस्टिक मीटर नहीं लगाने दे रहे, क्या लगवा रहे हैं, कमर्शियल मीटर। आप रजिस्टर्ड नहीं है, हाजिर साहब बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, छोटे वाले, अच्छा बड़े वाले नहीं, बड़े वाले भी सुकून से ही हैं, बड़े चिल हैं हाजिर साहब, गाड़ी रखी हुई है, सुबह उठते हैं, दो देते हैं गालियाँ हुकूमत को, दो देते हैं उसको गालियाँ, चिल करते हैं जी, और एंड पे हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। इनको बिजली का बिल आएगा, अगर इनका महीने का बिल 20,000 तक है ना, अगर इनका महीने का बिल 20,000 तक है तो उसमें 5% सेल्स टैक्स शामिल होगा, और अगर इनका महीने का बिल 20,000 से ज़्यादा है तो उसमें कितना टैक्स शामिल होगा, 7.5% सेल्स टैक्स शामिल होगा। अब ये सेल्स टैक्स किस फॉर्म में शामिल होगा, ज़रा मैं आपको बताता हूँ, देखें हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे सेल्स टैक्स बिल में लगा होता है कितना, 18% लगा होता है। इवन जो जितने भी ये रजिस्टर्ड है ना लोग, रिटेलर वगैरह, ये भी कितना टैक्स पे कर रहे होंगे, 18% पे कर रहे होंगे। इनके बिल में क्या होगा, इनके बिल में लगा होगा 18% सेल्स टैक्स, सबसे पहली बात है, बिकॉज वो हर एक को लगना है, वो किसी को माफी नहीं है। फिर ये लोग कौन है, अनरजिस्टर्ड है, फिर लगेगा इनके ऊपर कौन सा, फर्दर टैक्स 3%, ये भी डाला होगा। अब चूंकि आप रिटेलर भी हैं और आप स्पेसिफाइड भी नहीं हैं,
तो फिर क्या करेंगे, अगर आपका बिल 5000 तक है ना तो फिर कितना डालेंगे, 5%। अगर उससे ज़्यादा है तो कितना होगा, 7.5%। अगर आप इसको जमा करें कितना बनता है, 21.5, 26% इनके बिलों में हम टैक्स डाल के इनसे निकलवा रहे होते हैं। हालांकि जो बंदा रजिस्टर्ड है ना वो सुकून से कितना अपने बिल में पे कर रहा है, 18%, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा कि हम बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, ऊपर टैक्स भी इनका लगा होता है, तो हम इनसे टैक्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट करवा रहे होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है वो इनके बिजली के बिलों में से टैक्स कलेक्ट करवा के जितना भी होता है वो सारा क्या कर लेती है, हमें हुकूमत को जमा करवा देती है, वो एडजस्ट भी नहीं करती। तो इनको लग रहा है कि ये सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे, ये बच गए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनके बिजली के बिलों से टैक्स जो है वो कैलकुलेट करवा, कमर्शियल मीटर पे। इसलिए तो लेस्को वाले आते हैं कि दुकान है, डोमेस्टिक मीटर काट देते हैं कि कौन सा मीटर लगवाएं, कमर्शियल मीटर लगवाएं। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर 18%। हाँ, दुकान कभी भी आप डोमेस्टिक मीटर पे ऑपरेट कर नहीं सकते। तो फिर मुझे बताओ, मैं कंप्लेन करूँगा, मुझे इनाम मिलेगा 1,00,000 रुपये का, मुझे 1,00,000 रुपये का इनाम मिलेगा कंप्लेन करने का, हाफ ऑफ कर लेंगे, तो बंदे पकड़ के ले गया। आप दुकान चलाती हैं घर में बैठ के, घरों में सिर्फ कितना होगा, 18%। हाँ, खा गया, लूट गया मुझे, 1,00,000 रुपये खा गया 100-100 करके। पूछ लें जी, पूछ लें, नहीं पूछ लें, पूछ लें, पूछें। ये इधर से ना टैक्स कंसल्टेंसी शुरू कर ले मेरे से पकड़ के। बिल पे करना था ना, तो करना था बिल पे, तो अच्छी बात है, चोरी नहीं करनी थी ना, आप खुद एक मीटर लगा के आगे सप्लाई कर रहे हैं बिजली और फिक्स में ले रहे हैं, तो सही किया उन्होंने, एक दुकान पे दिया हुआ था नहीं। तो फिर दो, ऐसे नहीं होता, आपने कोई ना कोई घपला किया होगा तो बिल कटा होगा। तो ये याद रखना कि जो नॉन स्पेसिफाइड टेलर्स हैं, अगर बिजली का बिल 20,000 तक है तो 5% टैक्स देंगे, अगर बिजली का बिल 20,000 से ऊपर तो कितना टैक्स देंगे, 7.5% टैक्स दे रहे होंगे। ओ भाई, रजिस्टर्ड क्यों लगेगा टैक्स, ये किसको लगता है 3%? अगर तूने कल की क्लास ली होती ना तो सारा सवाल बनता नहीं था ये, तो फिर क्यों पूछ रहे हो। ये क्लियर है। अब ये थर्ड स्केड्यूल आइटम जो रिटेल्स की आती हैं, इसमें कौन कौन से गुड्स शामिल होती हैं, ये गुड्स याद नहीं करनी। पेपर में वो जब भी रिटेल आइटम का जिक्र करेगा ना, वो बता देगा कि अगर ये चीज़ है तो ये थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही है, ये रिटेल में फॉल कर रही है, तो इसको इसलिए इस स्केड्यूल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो बताएगा हमेशा कि फ़लानी गुड्स जो है वो रिटेल की है, फ़लानी गुड्स जो है वो थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, सिगरेट्स सबसे पहले, कौन से आएंगे, सिगरेट्स, कौन सा पीते हो आजकल, जाने दे, तो भरे हुए पीता है कदा कोई भी नहीं, सिगरेट्स ये कौन से हैं मुझे नाम भी नहीं पता, गोल्ड लीफ, और कौन सा होता है, और कौन सा होता है, और इधर तो मुझे नाम नहीं पता, इतनी आपको पता है, सही है बिल्कुल, और कौन सा होता है, और कौन सा होता है, बता दें बता दें, अब इसमें कोई बुरी बात है, और कौन सा होता है, डन हिल, कहता मुझे नाम नहीं पता, भरे हुए मांग मांग के पीने वाली कौम, बीड़ी पीने वाली कौम सिगरेट की बातें कर रही हैं, सिगार भी है, मज़ा भी है, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ अपना। अच्छा, एनी वेज, जूसेस, आइसक्रीम, बदतमीज, सिरप्स, एरेटेड वाटर एंड बेवरेजेस, कोक की बोतल होगी, स्प्राइट, सारा इसमें आ रहा होता है। उसके अलावा जितने भी मिनरल वाटर होते हैं, जितने भी बोटल वाटर हैं इसमें आ रहे हैं, डिटर्जेंट, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, इनको तो डबल टैक्स करना चाहिए। शू पॉलिश, अच्छा चेक करें, अब मैंने कुछ नहीं किया मजाक के अलावा, इसने कॉस्मेटिक्स के साथ लिखा शू पॉलिश, मेरा कोई कसूर नहीं है, लिटरली मेरा कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन चीज़ें आपस में इकट्ठी मिला दी हैं, आप देखें ना, सर्फ सा शैम्पू समझ आता है, साबुन समझ आता है, टूथपेस्ट समझ आता है, शेविंग समझ आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें एक लिंक चल रही हैं। तो अगर कॉस्मेटिक के साथ अगर शू पॉलिश या क्रीम आ गई है तो ये भी हमें क्या आ रहा है, समझ आ रहा है कि अंडरस्टूड है,
मेरा कोई कसूर नहीं है, ये टोटली अनइंटेंशनली लिखा गया है। फिर टी हो गया, पाउडर ड्रिंक्स हो गए, सूखा दूध वगैरह जितना भी होता है, मिल्की ड्रिंक्स हैं, टिश्यू पेपर्स, जितने भी स्पाइसेस, जितने भी मसाले अगर आप ब्रांड के नेम में बेच रहे हैं, मतलब खुली मिर्च, लाल मिर्चें खुली बेचते हैं, कोई GST नहीं है। वही लाल मिर्चें अगर नेशनल की पैकिंग में बिक रही हैं तो क्या होगा, वो रिटेल में फॉल कर रही होती हैं। सीमेंट किसका पार्ट होता है, रिटेल का पार्ट होता है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, खादें वगैरह इसमें आ रही होती हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, AC, फ्रिज, डीप फ्रीज़र वगैरह इसका पार्ट बनते हैं, जो आपकी गैस अप्लायंसेस हैं, कुकिंग रेंज, ओवंस, गीजर इसका पार्ट बनते हैं, फॉर्म प्रोडक्ट्स ये भी इसका पार्ट बन रहे होते हैं, पेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ऑटो पार्ट्स जितने भी हैं जो रिटेल पैकिंग में बिक रहे हैं वो इसमें आते हैं, मोटरसाइकिल भी जो है वो रिटेल में है, मतलब टैक्स कौन पे करेगा, जब बाइक बनती है मैन्युफैक्चरर पे कर देता है, रिक्शे भी इसमें आते हैं, बिस्किट वगैरह जो ब्रांड में बिक रहे हैं वो भी इसमें आते हैं, टाइल्स भी इसमें आ रही होती हैं। रिमेंबर, इन चीज़ों को बेचते हैं ना इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होता है, ना इनके ऊपर डिस्काउंट अलाउ होता है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि रिटेल आइटम के ऊपर, जो न्यूमेरिकली है एप्लीकेबल क्या, कि रिटेल आइटम्स के ऊपर ना तो फर्दर टैक्स चार्ज होगा, ना इनके ऊपर कोई किसी किस्म का डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट याद नहीं करनी, पेपर में बता देगा कि ये आइटम कौन सी है, रिटेल आइटम है। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिकली इम्पोर्ट्स हैं, आप अगर इन गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं और बेशक इनको बेच भी रहे हैं बाद में, इनके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 25% लगेगा। ये किसकी बात है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कर रहे हो गुड्स को, और अगर ये इम्पोर्टेड गुड्स हैं, इनको इम्पोर्ट करोगे तब भी इतना, इनको अगर आगे बेचोगे तब भी क्या होगा, इतना पे हो रहा होगा। मतलब अगर लोकल बेवरेजेज हैं इनको बेच रहे हो, GST 18% है, इम्पोर्टेड है, शहद की बोतल कितना है, 25% है, सिगरेट लोकल है 18% है, इम्पोर्टेड है 25% है। ई सिगरेट्स कौन से होते हैं यार, आपको पता हो, शर्सी तो आप वेप्स पकड़े गए, मुझे खुद नहीं पता था, आई स्वेयर मुझे खुद नहीं पता ये सिगरेट क्या होते हैं, क्या होते हैं सिगरेट्स, आई गेस एंड्रॉइड भी चलते होंगे, लेकिन आपने बताया वेप, तो हमारी नॉलेज में इजाफा किया, शुक्रिया। अब ये देखें ये किस पे फॉल कर रही हैं, 25% के ऊपर, ये सारे इम्पोर्टेड है। पेपर में वो बता देगा कि ये इम्पोर्टेड रिटेल आइटम है, अगर उसने इम्पोर्टेड का वर्ड कर दिया ना इस्तेमाल, तो टैक्स कितना हो जाएगा, 25%। अगर लोकल है, मतलब उसने बताया आइटम रिटेल की है, साइलेंट है, कुछ नहीं बताया, लोकल अज्यूम करेंगे 18%। अगर उसने बता दिया है इम्पोर्टेड है, फिर कितना होगा, 25%। मतलब लोकल कॉस्मेटिक्स से इस्तेमाल लेंगे, कौन सी क्रीम थी, फाइजा ब्यूटी क्रीम, कितना होगा, 18%। अगर आप ओलिविया या इस तरह की आप चीज़ें लेते हैं, इम्पोर्टेड हैं, कितना होगा फिर, 25%। तो ये तमाम चीज़ें हैं अगर इम्पोर्ट करें, टिश्यू पेपर, किचन वेयर्स हो गया, होम अप्लाइंसेस हो गई, आइसक्रीम, बैस्किन रॉबिन महंगी कर दी मनहूस होने, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, मैट्रेस स्प्रिंग, शैम्पूस, जितने भी इम्पोर्टेड हैं, मतलब लोकल हेड एंड शोल्डर जो है 18% के ऊपर, अगर आप लोरियल पेरिस इम्पोर्ट कर रहे हैं या ट्रेस्मी लेके आ रहे हैं वो इम्पोर्टेड है, कितना टैक्स होगा चार्ज, 25% चार्ज हो रहा होगा। 25 अभी आ रही है। कन्फेक्शनरी जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं इम्पोर्टेड, वो इसमें फॉल कर रही हैं। व्हीकल्स जो CBU में, CBU कहते हैं कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, के बनी बनाई गाड़ी आई है अगर, इम्पोर्टेड गाड़ी जिसे कहते हैं, कितना होगा, 25%। जो सैनिटरी आइटम्स हैं, कारपेट्स हैं, शैंडलियर्स, शैंडलियर्स क्या होते हैं, शैंडलियर्स क्या होते हैं, नहीं देखा, शैंडलियर्स, शैंडलियर्स क्या होते हैं, ओम शांति ओम में जो एक बड़ा सा फनूस होता है जो एंड पे गिर रहा होता है, उसको शैंडलियर कहते हैं, जो बड़े बड़े फनूस होते हैं, चॉकलेट्स 25% के ऊपर, कॉर्नफ्लेक्स, डेकोरेशन, डॉग एंड कैट फूड, डोर्स विंडो फ्रेम, फिश, फुटवेयर, ये सारा किस पे होंगे, ये 25% के ऊपर ही चार्ज हो रहे होंगे। तो ये पूरी लिस्ट है जो इसने हमें गिवन की है, जो 25% पे चार्ज हो रही होगी। अगर लोकली बात करें, जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियां हैं, SUVs या CUVs, वो उसके ऊपर टैक्स कितना है, 25% है। अगर कोई भी गाड़ी जो 1400 cc से अबव है, टैक्स कितना है, 25% है। कोई भी लोकल मैन्युफैक्चर कार या डबल कैबन डाला वीगो, उसके ऊपर टैक्स कितना है, 25% टैक्स जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं।
कैमरा बंद ना करना, रिकॉर्डिंग आने दें इसकी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस में फॉल कर रही थी, हमारी रिटेल में फॉल कर रही होती हैं। अब पेपर में ना, मतलब जो इतना वो बना हुआ वावेला कि जी ये चीज़ें जो हैं ट्रेड डेस्क में चेंजेस हुई हैं, चेंजेस सिर्फ यही हैं कि रेट जो है था वो 17 से 18 हो गया था, और ये इम्पोर्टेड आइटम की लिस्ट जो है बीच में ऐड की गई है। अगर लोकल आइटम है, लोकल रिटेल गुड्स बेच रही हैं, टैक्स कितना होगा, 18% होगा। अगर इम्पोर्टेड है तो कितना होगा, 25% होगा। ये पेपर में गिवन करेगा, मतलब ये लिस्ट आपने याद नहीं करनी, आप इसको बस रीड आउट कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिकॉज पेपर में वो हमेशा बताता है कि फ़लानी गुड्स जो है वो किसका पार्ट बन रही है, वो रिटेल का, वो थर्ड कैजुअल का पार्ट बन रही है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम बात करेंगे इनपुट टैक्स की। कल ट्यूसडे है, आई गेस वेंसडे को हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इस वीकेंड पे हम न्यूमेरिकल्स करके बाय संडे विद ईच न्यूमेरिकल विद ईच पास्ट पेपर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा सेल्स टैक्स। तो गालिबन 2 हफ्ते 14 डेज में हमारा कंप्लीट सेल्स टैक्स कंप्लीट हो रहा है, मतलब हमने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, और अब हम पास्ट पेपर भी साथ साथ कर रहे हैं। डेफिनेशन में पास्ट पेपर नहीं थे इसलिए वो बीच में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन प्रोविजन में जिस रूल के साथ अगर कोई पास्ट पेपर आ रहा है तो वो हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। वो ना बात के लिए आपने पास्ट पेपर नहीं करवाए तो एविडेंस के तौर के ऊपर आपके पास नोट्स भी हैं, नोट्स में भी गिवन है किस किस पॉइंट पर कौन कौन सा पास्ट पेपर गिवन है, और हम थ्रेटिकल पास्ट पेपर क्या कर रहे हैं, साथ साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल इंशाल्लाह मैं 11 बजे आ जाऊँगा। मेरे पीछे 2-3 दिन से ना गला शदीद ख़राब है, तो मेरी सुबह उठता हूँ मेरे से बोला नहीं आता, आज सुबह मेरी आवाज़ है ही नहीं थी, मैं म्यूट मोड के ऊपर था, और फिर मैंने से कहा यार टेस्ट ले लो, मैं शायद ऑफ़ कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आ गया। तो कल इंशाल्लाह हम 11 बजे ही स्टार्ट करेंगे, और कल हमने इनपुट टैक्स करने, कल की क्लास के बाद हमारा जो मेन काम है वो हो जाएगा, उसके बाद वी विल बी एबल कि हम ईजिली क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो कल की क्लास के बाद सिर्फ एक काम रह जाएगा कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट समझाना है, और न्यूमेरिकल हमारे हो सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो कल की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ ऑल अबाउट इनपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स कैसे क्लेम करने हैं, इसकी अपोशनमेंट कैसे करनी है, और कैसे क्लेम हम नहीं कर सकते, ये तीन बातें, और पेमेंट से करना है रिलेटेड। अगले 2 से 3 दिन सेल्स टैक्स इंपॉर्टेंट है, वो हो गए आपके, आपका सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, संडे ये वाला भी आपका ऑन जाएगा, और इस संडे को तो क्लास में 3-3.5 घंटे ही करने में इंटरेस्टेड हूँ। जाकर रिकॉर्डिंग सुन ली, मेरा गला फोर्स हुआ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा कुछ भी दोबारा, मैं तकलीफ में बोल रहा हूँ इस वक्त, मेरा गला अंदर स्वेल है इस वक्त, लाइक मैं इस वक्त खाना नहीं खा सकता, मेरे गले से कुछ चीज़ नीचे नहीं जा रही है, नहीं।